हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फार्मेसी इंडिया लाइव। तो आज के इस वीडियो में हम एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं ऑफ चैप्टर 8 पार्ट 2। इसमें हम कवर करने वाले हैं एमेटिक्स एंड एंटी एमेटिक्स के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इन द ब्रेन इज प्राइमरली द साइट ऑफ वॉमिटिंग रेगुलेशन। वॉमिटिंग मतलब उल्टी करना या फिर वॉमिट आउट करना, जिसको हम कहते हैं एमेसिस होना। तो ये इसके लिए हमारे ब्रेन का कौन सा साइट इंपॉर्टेंट है, कौन सा साइट हमारे वॉमिटिंग को रेगुलेट करता है। ऑप्शन ए सेरिबेलम, ऑप्शन बी थैलेमस, ऑप्शन सी मेड्यूला ऑब्लोंगोटा, या फिर ऑप्शन नंबर डी हाइपोथैलेमस। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी मेड्यूला ऑब्लोंगोटा। तो जो मेड्यूला ऑब्लोंगोटा है उसमें हमारा वॉमिटिंग सेंटर प्रेजेंट होता है, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वॉमिटिंग रिफ्लेक्स। हमारे वॉमिटिंग रिफ्लेक्स को हमारा एमओ यानी मेड्यूला ओब्लोंगाटा रेगुलेट करता है। देन क्वेश्चन नंबर टू इज, व्हिच रिसेप्टर टाइप इज इन्वॉल्व्ड इन द जनरेशन ऑफ इंपल्स फ्रॉम द वेस्टिबुलर पार्ट दैट कैन लीड टू वॉमिटिंग। तो कौन सा रिसेप्टर हमारा रेस्पॉन्सिबल होता है वेस्टिबुलर पार्ट में इंपल्स जनरेट करने को, विच इन रिटर्न लीड्स टू वॉमिटिंग। ऑप्शन ए मस्कारिनिक एंड H1 रिसेप्टर, ऑप्शन बी डोपामिन रिसेप्टर, ऑप्शन सी सेरोटोनिन 5-HT3 रिसेप्टर, या फिर गाबा रिसेप्टर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए मस्कारिनिक एंड H1 रिसेप्टर। इंपल्स जनरेटेड बाय द वेस्टिबुलर एपरेटस यूटिलाइज मस्कारिन एंड H1 रिसेप्टर टू रिले द सिग्नल टू वॉमिटिंग सेंटर। तो जो हमारा इंपल्स होते हैं विच इज जनरेटेड बाय मस्कारिनिक और H1 रिसेप्टर, दे आर रिस्पॉन्सिबल, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे वॉमिटिंग सेंटर तक इंपल्स पहुंचाने के लिए। क्वेश्चन नंबर थ्री इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज अ कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर द यूज ऑफ एमेटिक्स। तो किस केस में हम एमेटिक्स यूज नहीं कर सकते। ऑप्शन ए कोरोसिव पॉइजनिंग, ऑप्शन बी सीएनएस स्टिमुलेंट ड्रग पॉइजनिंग। अगर हमने कोई सीएनएस स्टिमुलेंट ड्रग ली है उसके वजह से हमें पॉइजनिंग हुई है, तो उस केस में क्या हम ले सकते हैं एमेटिक्स, या फिर ऑप्शन नंबर ए कोरोसिव पॉइजनिंग में, या फिर ऑप्शन सी केरोसिन पॉइजनिंग में, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। इन तीनों में से कोई भी केस में हम एमेटिक्स नहीं ले सकते। एमेटिक्स हम क्यों यूज करते हैं, बेसिकली अगर किसी ड्रग की हमें पॉइजनिंग हो जाती है तो उसको निकालने के लिए हम एमेटिक्स यूज करते हैं। तो इन तीनों केस में से कोई भी केस में हम एमेटिक्स यूज नहीं कर सकते। एमेटिक्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन कंडीशन सच एज कोरोसिव पॉइजनिंग, सीएनएस स्टिमुलेंट ड्रग पॉइजनिंग, केरोसिन पॉइजनिंग अमंग अदर्स। क्वेश्चन नंबर फोर इज, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी एमेटिक ड्रग इज प्राइमरली यूज फॉर द प्रिवेंशन ऑफ केमोथेरेपी इंड्यूस्ड नोजिया एंड वॉमिटिंग। केमोथेरेपी जो होते हैं, अगर हमें कोई कैंसर है या फिर केमोथेरेपी में हम जो ड्रग्स यूज करते हैं उन ड्रग्स का मेजर जो साइड इफेक्ट होता है एक, वो होता है वॉमिटिंग। तो केमोथेरेपी इंड्यूस्ड वॉमिटिंग में हम कौन से ड्रग यूज करते हैं। ऑप्शन ए मेटोक्लोप्रामाइड, ऑप्शन बी ऑंडेंसेट्रोन, ऑप्शन सी प्रोमेथाजिन, या फिर ऑप्शन नंबर डी डाइमेनहाइड्रिनेट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ऑंडेंसेट्रोन। तो जो ऑंडेंसेट्रोन होता है वो हमारा एक 5-HT3 एंटागोनिस्ट होता है, जिसको हम कॉमनली यूज कर सकते हैं टू प्रिवेंट केमोथेरेपी इंड्यूस्ड नोजिया एंड केमोथेरेपी इंड्यूस्ड वॉमिटिंग में। क्वेश्चन नंबर फाइव इज, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी एमेटिक इज कॉमनली यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया एंड वॉमिटिंग। पोस्ट ऑपरेटिव केस में नोजिया और वॉमिटिंग जिसमें होता है, तो उन केस में हम कौन से एंटी एमेटिक ड्रग्स यूज कर सकते हैं। ऑप्शन ए हेलोपेरिडॉल, ऑप्शन बी साइक्लिजिन, ऑप्शन सी डाइफेनहाइड्रामीन, या फिर ऑप्शन नंबर डी सिनाराजिन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए हेलोपेरिडॉल। तो हमारा हेलोपेरिडॉल एक न्यूरोलेप्टिक ड्रग होता है विथ एंटी डोपामिनर्जिक प्रॉपर्टी। इसको हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं टू ट्रीट पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया एंड पोस्ट ऑपरेटिव वॉमिटिंग के केस में। देन क्वेश्चन नंबर सिक्स इज, विच ऑफ द फॉलोइंग adjuvant anti-emetic is commonly used to prevent chemotherapy induced nausea
एंड वॉमिटिंग पर्टिकुलरली इन हाई रिस्क पेशेंट. तो कौन सा ड्रग हमारे पास ऐसा होता है जिनको हम एडजुवेंट थेरेपी के हिसाब से यूज करते हैं इन केमोथेरेपी इंड्यूस्ड नोजिया एंड वॉमिटिंग इन पर्टिकुलरली हाई रिस्क पेशेंट, जिन पेशेंट में हाई रिस्क होता है उनके केस में? ऑप्शन ए डेक्सामेथासोन, ऑप्शन बी हायोसिन, ऑप्शन सी मीटोक्लोप्रामाइड, या फिर ऑप्शन नंबर डी क्लोरप्रोमाजिन. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए डेक्सामेथासोन. जो डेक्सामेथासोन होता है ये हमारा एक स्टेरॉयड होता है, ये हमारा एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड होता है जिनको हम यूज करते हैं फॉर द प्रिवेंशन ऑफ केमोथेरेपी इंड्यूस नोजिया एंड वॉमिटिंग. इसको हम यूज करते हैं थेरेपी इंड्यूस्ड नोजिया एंड वॉमिटिंग में इन पेशेंट जिनमें हाई रिस्क होते हैं. क्वेश्चन नंबर सेवन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी एमेटिक ड्रग एक्ट्स बाय इंक्रीजिंग द रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन एंड एनहेंसिंग द गैस्ट्रिक एम्पटिंग. तो कौन सा हमारा एंटी एमेटिक ड्रग ऐसा होता है विच एक्ट बाय रिलीजिंग द एसिटाइल कोलिन, जो एसिटाइल कोलिन के रिलीज को इंक्रीज करता है, हमारे ACH के रिलीज को इंक्रीज करता है और गैस्ट्रिक एम्पटिंग को बढ़ा देता है? ऑप्शन ए ओंडेंसेट्रॉन, ऑप्शन बी मीटोक्लोप्रामाइड, ऑप्शन सी प्रोमेथाजिन, ऑप्शन डी डाइफेन हाइड्रामिन. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी मीटोक्लोप्रामाइड. जो मीटोक्लोप्रामाइड होता है वो हमारा एक प्रोकाइनेटिक ड्रग होता है दैट इंक्रीज द रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन एंड एनहेंस गैस्ट्रिक एम्पटिंग. जो क्या करता है कि हमारे एसिटाइल कोलिन की जो रिलीज है उसको बढ़ा देता है, हमारे ACH के रिलीज को बढ़ा देता है और गैस्ट्रिक एम्पटिंग को कम कर देता है. ये इसको हम कॉमनली यूज करते हैं नोजिया वॉमिटिंग को ट्रीट करने के लिए एसोसिएटेड विद वेरियस कंडीशन सच एज GERD विच इज गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज और इन डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस. अगर डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस हो या फिर GERD हो यानी गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज हो तो उन केस में हम प्रोकाइनेटिक ड्रग यूज करते हैं जिसका एग्जाम्पल हमारे पास है मीटोक्लोप्रामाइड. क्वेश्चन नंबर एट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी एमेटिक ड्रग इज अ प्रोकाइनेटिक एजेंट दैट इंक्रीजेस अपर GI गैस्ट्रो इंटेस्टिनल मोटिलिटी एंड एक्सिलरेट्स गैस्ट्रिक एम्पटिंग. तो कौन सा हमारा एंटी एमेटिक ड्रग ऐसा है जो कि एक प्रोकाइनेटिक भी है और अपर GIT मोटिलिटी को भी इंक्रीज करता है और एक्सिलरेट करता है GIT एम्पटिंग को? ऑप्शन ए ओंडेंसेट्रोन, ऑप्शन बी डोमपेरिडोन, ऑप्शन सी डायमोनहाइड्रेट, या फिर ऑप्शन नंबर डी साइक्लिजिन. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी डोमपेरिडोन. डोमपेरिडोन जो होता है वो हमारा एक प्रोकाइनेटिक ड्रग होता है, वो हमारा डोपामिन D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करके अपना एक्शन शो करता है इन द GIT ट्रैक और वहां पे वो लीड्स टू गैस्ट्रो इंटेस्टिनल मोटिलिटी एक्सिलरेटेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग. इट इज यूज टू रिलीव नोजिया वॉमिटिंग. इसको हम नोजिया वॉमिटिंग ऐसे वेरियस कंडीशन को ठीक करने के लिए यूज कर सकते हैं. देन क्वेश्चन नंबर नाइन इज विच क्लास ऑफ एंटी एमेटिक्स इज नोन टू हैव डोपामाइन D2 रिसेप्टर ब्लॉकिंग प्रॉपर्टीज. कौन सा हमारा क्लास ऑफ ड्रग है जो कि हमारा डोपामाइन D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है? ऑप्शन ए प्रोकाइनेटिक ड्रग, ऑप्शन बी 5-HT3 या फिर सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट, ऑप्शन नंबर सी न्यूरोलेप्टिक, या फिर ऑप्शन नंबर डी एंटीकोलिनर्जिक्स. सो दे आर ऑप्शन नंबर सी न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स. जो हमारे न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल प्रोक्लोरपेराजिन या फिर हेलोपेरिडॉल, प्रोक्लोरपेराजिन या फिर हेलोपेरिडॉल, तो वो क्या करते हैं, दे पोजेस डोपामाइन ब्लॉकिंग एक्टिविटी. वो डोपामाइन रिसेप्टर को जाके ब्लॉक करते हैं एंड दिस ड्रग्स आर इफेक्टिव इन मैनेजिंग. ये हमारे नोजिया वॉमिटिंग इन सबको मैनेज करने में हेल्प करता है बाय इनहिबिटिंग डोपामाइन सिग्नलिंग इन द CTZ जोन या फिर कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन. ये क्रीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन क्या होता है, ये हमारे वॉमिटिंग को इंड्यूस करता है. अगर हमारे कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन में ट्रिगर हुआ तो फिर हमारे नोजिया वॉमिटिंग ये सब इंड्यूस होते हैं, तो इनको जाके ब्लॉक करता है बाय ब्लॉकिंग डोपामाइन रिसेप्टर. क्वेश्चन नंबर 10 इज विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी एमेटिक ड्रग इज कॉमनली यूज टू ट्रीट नोजिया एंड वॉमिटिंग एसोसिएटेड विथ माइग्रेन एंड हेडेक. अगर हमें माइग्रेन या फिर हेडेक के वजह से नोजिया या फिर वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा है तो फिर उसको हम ठीक करने के लिए कौन सा एंटी एमेटिक ड्रग दे सकते हैं?
ऑप्शंस आर ऑप्शन ए मेटोक्लोप्रामाइड, ऑप्शन बी ओंडेंसेट्रोन, ऑप्शन सी प्रोमेथाजिन, ऑप्शन डी प्रोक्लोरपिराजिन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी प्रोक्लोरपिराजिन। तो जो प्रोक्लोरपिराजिन है इट इज अ न्यूरोलेप्टिक मेडिकेशन, इट इज कॉमनली यूज टू ट्रीट नोजिया वॉमिटिंग एसोसिएटेड विद हेडेक एंड माइग्रेन। तो प्रोक्लोरपिराजिन को हम इन हेडेक और माइग्रेन के केस में हम न्यूरोलेप्टिक्स यूज करेंगे, जैसे कि प्रोक्लोरपिराजिन हो गया, हेलोपेरिडोल हो गया, इनको हम यूज करेंगे टू ट्रीट दिस। इट एक्ट बाय ब्लॉकिंग डोपामिन रिसेप्टर, ये हमारे डोपामिन रिसेप्टर को ब्लॉक करता है जो जाके सीटीजेड में स्टिमुलेशन को रोकता है, और एडिशनली इसके एंटी मस्करेनिक और एंटी हिस्टामिनिक प्रॉपर्टीज भी होती है। सो दिस वॉज ऑल गाइज, थैंक यू सो मच। होपफुली ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा।